आज हम सभी को मजबूरन बुलाना पड़ा, क्योंकि जम्मू व कश्मीर में हमारे ऑयल कंपनीज, चाहे वो इंडियन ऑयल है, बीपीसी है, चाहे वो एचपीसी है, उन्होंने एक नया फ्यूल में एथनॉल मिक्स करके पेट्रोल में 10% शुरू किया है जम्मू व कश्मीर में। एक लद्दाख को छोड़ के, लद्दाख में नहीं किया क्योंकि वहाँ 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने जो है वहाँ पे डंपिंग होती है, एडवांस मीटर स्टॉकिंग होती है। और एथनॉल डालने से क्या है कि अगर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने गाड़ी में रहे तो ये कन्वर्ट इनटू पानी में हो जाता है। ये एथनॉल जो है केन शुगर से बनता है, ये गवर्नमेंट ने मिक्स करना शुरू किया है, जो कि गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए था लोगों को कि ये एथनॉल जो है पेट्रोल में मिक्स करने जा रहे हैं। ये सरकार ने नहीं किया, लेकिन जम्मू व कश्मीर में ये 9 तारीख से स्टार्ट हो गया हुआ है और सभी पंपों पे एथनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अगर हम गाड़ियों के ही देखा होगा, टॉप के ऊपर चाबी लगा के आप ताला खोलते हो, उसके ऊपर लिड ना हो और पानी अंदर चले जाए तो जो 10% एथनॉल मिक्स किया है वो कन्वर्ट इनटू पानी बन जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी गाड़ियां जाम हो सकती हैं, रोड पे खड़ी हो सकती हैं, लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। ये अवेयर करने के लिए एक प्रेस वालों को बुलाया है कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और इसके जो नुकसान हैं वो हमने आज बता दिए कि ये गाड़ियां आपकी कहीं से भी अगर टैंकी के अंदर पहले से पानी है तो आप पंप से पेट्रोल डालते हो तो वो 10% आपका जो है वो कन्वर्ट इनटू पानी हो जाएगा। वो एक लस्सी हैवी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने से क्या होगा, आपके इंजन जाम हो जाएंगे, गाड़ियां बंद हो जाएंगी। 9 तारीख से ये चल रहा है, हमने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही कि चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पंपों पे प्रॉब्लम आने लगी। हमें लोग जो है कसूरवार ठहराने लगे कि आपकी गाड़ी में पानी है, आपके में ये है, आपके टैंकों में ये है, तो जिसके कारण हमें आज मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलना पड़ा कि भाई ये एथनॉल है, एथनॉल जो गवर्नमेंट ने मिक्स करना शुरू किया है, इससे क्या होगा कि किसी की गाड़ी में पानी है, हमारे टैंक में पानी है, तो समझ लो कि 10% जो है आपका तेल ख़राब होगा और रास्ते में गाड़ियां जो आपकी ख़राब हो सकती हैं और लोगों को परेशानियां आ सकती हैं। ये एथनॉल इन्होंने पूरे भारत में स्टार्ट किया है और यहाँ पर रेनी सीज़न, मौसम ख़राब होने के कारण अभी श्रीनगर में हमारे काफ़ी केसेस जो हैं ऐसे आए जिसमें लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई, प्रॉब्लम आई। मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग जो हैं अपने टैंकियों को चेक करें, पानी उसमें नहीं हो, लेकिन पब्लिक का काम है कि एथनॉल वाला लेना है या नहीं लेना है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसमें पब्लिक का नुकसान है या पब्लिक को प्रॉब्लम है, लेकिन लोग नहीं देख रहे। तो इसमें यही हमारा कहना मेन था कि एथनॉल वाला पेट्रोल जम्मू व कश्मीर में आ गया है, इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए, नहीं होगा तो गाड़ियां जो है जगह जगह आपकी खड़ी होंगी।